अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली। दोस्तों एक अजीब ही सूरत हाल है इस वक्त। जो सोलर माफिया है वो ये कह रहा है लोगों को, देखें जब सोलर पैनल की कीमतें कम हुई थी तो हमें कितना लॉस बर्दाश्त करना पड़ा था, एकदम से क्या क्या सूरत हाल हुई थी, क्या हम उस वक्त इस तरह से रोए थे कि लोग, अब देखें कारोबार है, कारोबार में ऐसा होता है, लोग देखिए देखें जी बायकॉट पे चले गए, कहते हैं जी बायकॉट कर रहे हैं बायकॉट। ओ भाई उस वक्त भी आपको हम भी यही कह रहे थे जब कीमतें 35-36 पे आई थी, अभी चंद दिन पहले, अभी तो आप ऊपर जाने लगे हैं 3-4 दिन से जो सूरत हाल बनी है, तब भी यही आपको कहा था कि गोदाम के गोदाम भर भर के मत रखें नुकसान हो जाएगा। और अब फिर भी यही कह रहे हैं कि भाई गोदाम के गोदाम भर भर के मत रखें फिर नुकसान हो जाएगा। तो जनाबे वाला सूरत हाल ये है, पहले भी चाइना से सोलर पैनल सस्ते आ रहे थे, 13-14 हजार रुपए का एक बड़ा सोलर पैनल होता है, और आप फिर भी 21-22 हजार का बेच रहे थे, लेकिन अब आपको चैन नहीं आया, अब आप 26-27 हजार का बेचने की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज करना कि जी देखिए हमें नुकसान, आपको नुकसान सरकार नहीं होना, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, आप ऐसे ना करें। नुकसान उन लोगों को होता है जो कि बहुत ज्यादा सियाने बन रहे होते हैं और जो फर्स्ट हैंड इंपोर्टेड से सेकंड हैंड पर लेके कोई खरीद रहा है, कोई थर्ड हैंड पर लेकर सोलर खरीद के बेच रहा है, तो हर कोई मुनाफा कमाना चाह रहा होता है। तो हर कोई क्या होता है, दावाजी जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज्यादा है। जो असल बिजनेसमैन है, जो कि सोलर इंपोर्ट करता है, जो असल होलसेलर है, उनको कभी भी नुकसान नहीं होता। नुकसान उन लोगों को होता है जो अच्छे होलसेलर से, अच्छे इंपोर्टर से खरीदते हैं और फिर उनसे कोई थर्ड हैंड आके खरीद के कोई दुकानदार ले जाता है, तो फिर उनको नुकसान होता है। भाई ऐसे आप ना करें, आप ऐसे मत खरीदें। आपने अगर बिजनेस करना है तो फिर प्रॉपर बिजनेस में रह के बिजनेस करें, तो फिर बिजनेस का मजा आता है। आज की जो ताजा तरीन रेट है जनाब, कोई भी कीमतें नीचे नहीं आई, आपके साथ ताजा तरीन रेट शेयर करते हैं। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त, शुक्वा, रिक्वेस्ट, जनाब अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप दे दें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपसे सोलर पैनल्स में, तो सबसे पहले हम कैनेडियन से शुरू करेंगे। जनाब कैनेडियन आज भी 575-580 वाट टॉप कॉन की बात करें, ए ग्रेड माल की, तो आज भी 46 रुपए पर वाट की बुलंदी स्थापित है। और सितम जरीफी ये है कि कुछ लोग मार्केट में 50-50 रुपए में भी बेचने पे मजर हैं, और कुछ लोग जो मजबूरी के तहत, कुछ बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कहते हैं कि सब तो लगवाना है, अब तो सारा सेटअप हमने ले लिया था, अब तो हमने जो है वो कारीगर को भी बुला लिया, स्टैंड भी बनवा लिया, अब कहाँ रखें क्या करें, तो फिर वो लोग खरीद भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बायकॉट में शामिल नहीं होते, तो ये बड़ी गलत बात है। 46 रुपए मैक्सिमम रेट है मार्केट में जो चल रहा होता है, लेकिन उससे हटके भी अब रेट चल रहे हैं जो कि गलत है। इसके बाद 650 वाट वाली प्लेट की बात करें, तो ये जनाब 40 रुपए पर वाट, 41 रुपए पर वाट, और इसके बाद 545, 550, 555 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड कैनेडियन की अगर हम बात कर लें, तो ये जनाबे वाला इस वक्त 40 रुपए पर वाट पे मौजूद है, और कुछ लोग इसमें भी चोर बाजारी करके इससे भी एक्स्ट्रा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं, जो आज मार्केट क्लोज हो रही है। जिनको एन टाइप की बात कर लें, 575, 580, 585 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड माल के, तो जनाब 43 रुपए पर वाट की बुलंदी से आज भी मौजूद है, इस वक्त मार्केट क्लोज हो रही है। इसके बाद हम जिनको बाईफिशियल की बात कर लें 585 वाट, तो जनाबे वाला ये आज भी 45 रुपए पर वाट की बुलंदी से मौजूद है। एका किया गया है बिल्कुल एकता नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिनको एन टाइप बाईफिशियल 45 रुपए पर वाट, हाइमो 7 जो है वो खासतौर पर 585-590 वाट, वो भी 45 रुपए पर वाट पर उसको सेट किया गया है। ये होते हैं आर्टिफिशियल रेट। ये देखें अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात आप देख लें, अगर आपकी हाइमो 6 या जिनको एन टाइप 36-37 रुपए पर वाट थी, तो जो आपकी लॉन्जी हाइमो 7 थी वो 40-40 रुपए पर वाट भी बिक रही थी। कोई 5 रुपए का डिफरेंस कंपनी रख के नहीं भेज रही भाई, ये हमारे जो हाजी हैं जो हज पे अब जाएंगे ये वो कर रहे हैं मार्केट में पाकिस्तानी सूरत हाल में, तो बायकॉट मुहिम जोरों पे है। अच्छा जी, इसके बाद जो सूरत हाल है दोस्तों, जिनको पी टाइप की बात करें, तो पी टाइप जनाबे वाला जो है वो 40, 41 और 42 रुपए पर वॉट के दरमियान मिल रहा है, 565, 570, 575 वाले जो वेरियंट है। हाइमो 6 की बात कर ले, हाइमो 6 इस वक्त दोस्तों 40 रुपए पर वॉट पे मौजूद है, 575, 580, 585 वॉट का जो माल है। और हाइमो 5 की अगर बात कर ले, तो हाइमो 5 जो है वो इस वक्त वो भी तकरीबन 39-40 रुपए पर वॉट में ही मिल रहा है, जो कि 555, 550 वॉट, 565 वॉट के जितने भी वेरियंट इस वक्त मौजूद है। जे ए के रेट में भी इजाफा हुआ है, जे में अगर बात कर ले एन टाइप की हम 580 वॉट 16 बस बार के साथ, तो जनाब वाला ये 42 रुपए पर वॉट पे इस वक्त मौजूद है। और जे में अगर 550 वॉट बाईफिशियल की बात कर ले, तो ये इस वक्त 41 रुपए पर वॉट में मौजूद है। जे में 565 वॉट के सोलर पैनल की बात करें, तो ये 40-45 रुपए पर वॉट के दरमियान में मौजूद है। ट्रीना सोलर की बात कर लें, 550 वॉट की सिंगल ग्लास ए ग्रेड माल की, तो इसकी प्री बुकिंग मिल रही है इस वक्त जनाबे वाला 40 रुपए पर वॉट में, प्री बुकिंग 40 रुपए पर वॉट में मिल रही है। अच्छा जी, रीना सोलर
एन टाइप 550 वाट, बाइफिशियल की बात करें तो ये जनाब वाला 41 रुपए पर वाट पे मौजूद है। माइसन की इस वक्त दोस्तों अगर बात करें तो माइसन जो है वो 545 वाट 39 रुपए पर वाट पे पहुंच चुका है। जेड एन शाइन की बात करें, जेड एन शाइन भी जो है वो 39 और 40 रुपए पर वाट पे पहुंच चुका है 550 वाट की जो सोलर प्लेट है। तो ये तमाम तर मार्केट की सूरत हाल दोस्तों चल रही है, हर चीज में ही यकायक इजाफा देखने में, कॉम पहले से 50 रुपए पर वाट से ऊपर ही बिक रहा है, 700 वाट और 730 वाट की सोलर प्लेट है। तो बड़ी ही एक अजीब और ना समझ आने वाली सूरत हाल है कि सोलर माफिया इस वक्त डटा हुआ है और दूसरी जानब कुछ शहरी है जो कि कुछ तादाद में अभी और ये तादाद बढ़ती जा रही है बायकॉट की। तो बायकॉट अगर बढ़ता गया, बायकॉट की अगर जो सदा है वो और बुलंद होती गई तो फिर सूरत हाल खासी बेहतर होगी, जैसे पहले भी हुई थी जब रेट 58 रुपए पर वॉट तक ये ले गए थे, 60 रुपए पर वॉट में जिनको एंटायर बिकी थी 580 वॉट वाली, अभी 2.5 महीने 3 महीने पहले तक की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो पिछले जो 2.5-3 महीने से सूरत हाल थी रेट बड़े अच्छे चल रहे थे, बड़े मामला जबरदस्त स्टेबल थे। तो वो स्टेबिलिटी दोस्तों मार्केट में आएगी। अभी अगले हफ्ते में जो है वो कोई भी माल की बुकिंग नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो इंपोर्टर है वो भी समझदार हो गए, जो इंपोर्टर के साथ बड़ा होलसेलर है वो भी समझदार हो गया, उन्होंने कहा जी माल जो गोदामों में है अभी इसी को अच्छे रेट पे बेचते हैं, माल एका कर लिया गया, माल ज्यादा मार्केट में डाला ही ना जाए अभी। तो ये भी सूरत हाल है, पिछले अगले 5 दिन तक कोई माल इस वक्त कराची पोर्ट पर नहीं उतर रहा जनाबे वाला, 5 दिन तक, उसके बाद सूरत हाल जो होगी वो अपडेट लिस्ट आ जाएगी कस्टम की भी और मामला की। तो ये तमाम तर सूरत हाल है दोस्तों, ये ताजा तरीन रेट है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।